हेलो फ्रेंड्स, आप सबका दिल से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं दिखी डोलमा डोलमा किचन से। आज की जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है सोया कोफ्ता विद ग्रेवी। तो शुरू करते हैं। हमने लिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और इसमें डाल देंगे रिफाइंड ऑयल लगभग 2 बड़े चम्मच। जब तक तेल हल्का गर्म हो जाए फिर इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच सौंफ का। इसे तेल में हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद डाल देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च जिसे इकट्ठा चॉप कर मैंने रखा हुआ था। इसे भी अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। फिर जाएगा एक प्याज, इसे भी चॉप कर डाल देंगे और पकने देंगे 2 मिनट के लिए जब तक प्याज का रंग हल्का ब्राउन ना हो जाए। फिर जाएंगे मसाले। मसालों में हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे जब तक हमारा मसाला पक ना जाए और मसाले जब तक तेल ना छोड़ दे। फिर इसमें डाल देंगे सोया जिसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था। फिर इसे ग्राइंडर में बारीक ग्राइंड कर लेंगे। इसे भी हम मसालों के साथ पका लेंगे लगभग 15 मिनट के लिए मीडियम हीट पर। अब थोड़ा तेल और डाल रही हूँ, लगभग 1 बड़ा चम्मच। फिर इसमें डाल दूंगी बेसन बाइंडिंग के लिए 3 से 4 चम्मच और इसे पका लेंगे 5 से 8 मिनट के लिए। अब इस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पर। ठंडा होने के बाद इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3/4 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया। अब हाथों से अच्छे से इस मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे और छोटे छोटे कोफ्ते जैसे आकार बना लेंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे बना रही हूँ। इसी तरह से आप चाहें तो थोड़ा हाथों में पानी या फिर तेल भी लगा सकते हैं। अब मैंने इस मिक्सचर के सारे कोफ्ते बनाकर रेडी कर लिया है। यहाँ पे मैंने लगभग 10 से 12 कोफ्ते बनाए हैं। अब इसे फ्राई करने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे लिया है कढ़ाई जिसमें कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। अब डाल देंगे तेल कोफ्तों को फ्राई करने के लिए। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म। फिर इनमें हम डाल देंगे कोफ्ते एक एक करके और इन्हें हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं इनमें एक बहुत अच्छा सा ब्राउन कलर आ चुका है। इसी तरह से सभी कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। अब इन कोफ्तों को निकाल लेंगे और तैयारी कर लेंगे टमेटो ग्रेवी का। एक पैन में डाल देंगे तेल। तेल जब गर्म हो जाए फिर इसमें जाएगा प्याज का पेस्ट। मैंने यहाँ पे 5 मीडियम प्याज यूज़ किया है। इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक प्याज का कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। फिर जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। मैंने यहाँ रेडीमेड अदरक लहसुन का यूज़ किया है। आप चाहें तो फ्रेश पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। इसे भी अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। और इन मसालों को पका लेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे। फिर जाएगा टमेटो पेस्ट। जितना प्याज लिया था उतना ही टमाटर लेंगे और पेस्ट बना लेंगे। इसे भी पका लेंगे जब तक टमाटर का कच्चापन दूर ना हो जाए। फिर तीखेपन के लिए डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अब टमाटर का पानी सूख चुका है और मसालों ने भी तेल छोड़ दिया है। अब डाल देंगे इसमें हल्का गुनगुना गर्म पानी। अब जितनी ग्रेवी रखना चाहे उतना पानी डाल सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा थिक ग्रेवी बना रही हूँ तो थोड़ा हिसाब से पानी डाल रही हूँ। अब 5 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। 5 मिनट के बाद ग्रेवी पक गई है। इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए कोफ्ते एक एक करके डाल देंगे और कोफ्तों को पूरी तरह से कोट कर लेंगे ग्रेवी के साथ। फिर इसे ढककर 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे लो हीट पर। अब 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कोफ्ते अच्छे से फूल गए हैं, ग्रेवी भी पूरी तरह से कोफ्तों में रच गई है। इसे हल्के हाथों से एक बार मिक्स कर लेंगे और सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। अब इसे गार्निश कर लेंगे फ्रेश हरे धनिया के पत्तों के साथ और इंजॉय करेंगे राइस या रोटी के साथ। सो ये बनकर तैयार हो गया हमारा कोफ्ता। ऐसी और इजी रेसिपी जानने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।